हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ MIUI 12 के ऊपर टॉप 2 प्रीमियम थीम। एंड ये काफी यूनिक सा थीम है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ तो भाई लोग, ये है हमारे लिस्ट के फर्स्ट थीम। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि अपने फ़ोन में ROG की तरह लुक प्रोवाइड करना, तो ये थीम को डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इसकी आइकन पैक की डिज़ाइनिंग की बात करें तो काफ़ी यूनिक सी स्टाइल में देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में अगर इसकी नेविगेशन बटन को देखा जाए तो आप लोग को ROG की तरह देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ROG लिखा हुआ है होम बटन पे भी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सा ये थीम है। और गाइस, इसकी सेटिंग्स ऐप की बात करें तो सेटिंग्स ऐप में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलता है और आप लोग को ROG की तरह ही देखने के लिए मिलता है सेटिंग्स ऐप की UI भी। तो अगर आप इसकी अबाउट फोन में आते हो सेटिंग्स ऐप की, तो यहाँ पे भी आप लोग को कम्प्लीटली UI को चेंज कर देता है ये थीम। तो काफ़ी अच्छी सी ये थीम है। और इसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में ही। तो देखो, आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा तो आप लोग को फुल ये लुक मिल जाएगा। तो अगर डायलर ऐप को देखते हो तो यहाँ पे आप लोग को फुल डार्क में देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, यहीं पे अगर किसी को कॉल करते हो तो यहाँ पे कॉलिंग स्क्रीन में जो ऊपर के साइड में जहाँ पे हम पिक्चर सेट करते हैं, वहाँ पे भी आप लोग को ROG देखने के लिए मिलता है। और अगर आप पिक्चर सेट नहीं करके रखोगे तो ROG देखने के लिए मिलेगा, और पिक्चर सेट करके रखोगे तो काफ़ी यूनिक सा आप लोग को कॉलिंग स्क्रीन भी मिल जाएगा। तो आप लोग मैसेजेस ऐप भी देख सकते हो, ये भी आप लोग को फुल डार्क में देखने के लिए मिलता है। और गाइस, इस थीम में अगर हम बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे अगर लॉक स्क्रीन में देखते हो तो काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन शो करता है, काफ़ी यूनिक सा स्टाइल में। और गाइस, यहाँ पे जो इसकी क्लॉक विजिट है उतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आता है लॉक स्क्रीन का, बट होम स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे क्लॉक विजिट देखने के लिए मिलता है। और गाइस, यहीं पे नोटिफिकेशन देखते हो तो आप लोग को कुछ इस तरीके से ROG लोगों के साथ कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन पैनल देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है इसकी कंट्रोलर में। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसा कंट्रोल सेंटर एंड पूरी की पूरी UI चाहिए तो आप लोग इस थीम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये अवेलेबल है थीम स्टोर में। इस थीम का नेम है गाइस डार्क ROG V12। और इस थीम को अप्लाई करने से पहले आप लोग को डार्क मोड को इनेबल कर देना है और उसके बाद इस थीम को अप्लाई करना है। तो अब बात आती है हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम की, तो फटाफट से करता हूँ अप्लाई। हाँ तो भाई लोग, ये है हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम, जिसकी लॉक स्क्रीन अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लीन एंड काफ़ी अच्छी सी वॉलपेपर के साथ लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में एक शॉर्टकट एप्लीकेशन भी ऐड कर दिया गया है, वो है फ्लैश लाइट, जो आप लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हो। और गाइस, यहीं पे हम बात करते हैं इस थीम की, इसकी क्लॉक विजिट होम स्क्रीन में एंड आइकन पैक की डिज़ाइनिंग की। तो अगर आप लोग आइकन पैक की डिज़ाइनिंग को देखते हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को सैमसंग से इंस्पायर देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे न्यून कलर के साथ आप लोग को आइकन पैक की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। बात आती है इस थीम की सेटिंग्स ऐप की UI की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फुल रीडिज़ाइन कर दिया गया है। और साथ ही में आप लोग को साइड में आप लोग को एक बार भी देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है। और इस थीम में अगर नेविगेशन बटन की बात करें तो आप लोग को पिक्सल से इंस्पायर्ड आप लोग को नेविगेशन बटन देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी अच्छी सी ये थीम है। अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो इस थीम का नेम है गाइस स्क्वाइड वायरल लाइट, इतना आप लोग को टाइप करना होगा और ये थीम स्टोर में मिल जाएगा। और इस थीम को डाउनलोड करके अप्लाई करने से पहले अपने डिवाइस में डार्क मोड को इनेबल करना है और फिर इस थीम को अप्लाई कर देना है, तो आप लोग को कुछ इस तरीके का UI देखने के लिए मिल जाएगा। और कोई भी सवाल होता हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड इसकी नोटिफिकेशन देखते हो तो आप लोग को काफ़ी अच्छी सी स्क्वाड गेमिंग वाला यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलता है,
काफ़ी अच्छी से यहाँ पे इसकी कंट्रोल सेंटर की डिजाइनिंग की गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस इस थीम की डायलर ऐप की डिजाइनिंग की बात करें तो काफी अच्छी से यहाँ पे डार्क में देखने के लिए मिलेगा एक रेड कलर के साथ, तो काफी अच्छी सी डायलर ऐप की डिजाइनिंग भी है और सेम टू सेम आप लोग को मैसेजेस ऐप भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही थीम्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।